आज हम बात करेंगे बैलेंस एनपीके की, जिसमें आईएफको का 18-18-18 बहुत चर्चा में है। मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं इस फर्टिलाइज़र के बारे में, तो चलिए जानते हैं इसके कंटेंट के बारे में, इसके यूज़ के बारे में और सबसे इम्पॉर्टेंट इसके बेनिफिट्स के बारे में। तो दोस्तों, पेश है सल्फर इनरिच बैलेंस एनपीके 18-18-18। नंबर वन, आईएफको का सल्फर इनरिच बैलेंस एनपीके 100% वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र है, जिसका बेनिफिट ये है कि ये पत्तों पे और रूट्स में फास्ट अब्सॉर्ब होता है। नंबर टू, इसमें 18% नाइट्रोजन है जो यूरिया फॉर्म में है, 18% फास्फोरस, 18% पोटाशियम और साथ ही साथ 6.1% सल्फर है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैक्रो एलिमेंट है। नंबर थ्री, सल्फर इनरिच बैलेंस एनपीके जिसमें 6.1% सल्फर बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट है, जो प्लांट की ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये अमीनो एसिड और प्रोटीन को भी सिंथेसाइज करता है। अगर आसान शब्दों में कहूँ तो सल्फर प्लांट में प्रोटीन्स, एंजाइम्स, विटामिन्स और क्लोरोफिल को बनाता है। इसके अलावा ये पीएच को लो करने में भी हेल्प करता है। नंबर फोर, इसे हम सॉइल ड्रेंचिंग में और फोलियर स्प्रे में भी यूज़ कर सकते हैं। नंबर फाइव, सॉइल ड्रेंचिंग में 1 ग्राम 1 लीटर वाटर में मिक्स कीजिए, यानी 1 टीस्पून 5 लीटर वाटर में और 2 टीस्पून 10 लीटर वाटर में मिक्स करके प्लांट को दिया करें। नंबर सिक्स, फोलियर स्प्रे में 5 ग्राम एनपीके यानी 1 टीस्पून 1 लीटर वाटर में मिक्स करके भी स्प्रे कर सकते हैं। वो इसीलिए क्योंकि इसमें नाइट्रोजन सिर्फ यूरिया फॉर्म में ही होता है और जो दूसरे बैलेंस एनपीके है जैसे 20-20-20 या 19-19-19 उसमें नाइट्रोजन यूरिया के साथ नाइट्रेट फॉर्म में भी होता है और नाइट्रेट फॉर्म में फर्टिलाइज़र को ज़्यादा मात्रा में यूज़ करके पत्तों पे स्प्रे करें तो वो जल भी सकते हैं। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। नंबर वन, ये प्लांट की प्रॉपर डेवलपमेंट और ग्रोथ में हेल्प करता है। नंबर टू, बैलेंस एनपीके 18-18-18 से प्लांट पे न्यू ग्रोथ्स एक्टिव होती है। नंबर थ्री, इसे रूट्स के डेवलपमेंट में, फ्लावर्स आने में और उनकी सीड्स तैयार होने में भी हेल्प मिलती है। नंबर फोर, ये प्लांट को पेस्ट से, मॉइस्चर से या फिर टेम्परेचर से होने वाले स्ट्रेस से भी बचाता है। नंबर फाइव, और सबसे बेस्ट, सल्फर इनरिच बैलेंस एनपीके बहुत ही एसिडिक होता है। इसकी ज़रा सी क्वांटिटी वाटर में ऐड करने से वाटर का पीएच एसिडिक हो जाता है, जिससे प्लांट्स और भी अच्छे से न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब कर पाते हैं। अब मैं इसे मेरे रोज़ प्लांट्स में और वो सीजनल फ्लावरिंग प्लांट जिसे मैं नहीं खाता उन सारे प्लांट्स में यूज़ करता हूँ वीक में 2 बार, जिससे मुझे बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलता है। तो ये रही सिंपल और बेस्ट जानकारी बैलेंस एनपीके 18-18-18 की। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और आप इसी तरह के कोई और फर्टिलाइज़र के बारे में जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। गार्डनिंग सीखते रहे, सिखाते रहे और देखते रहे। स्मार्ट गार्डनिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।